हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सिंपलीफाइड टट्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष और आज काफी दिनों के बाद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर के। जी हां, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हम कोरल ड्रॉ के अंदर मल्टीपल आईडी कार्ड्स को किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं विथ फोटोज। जी हां, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स की फोटोज भी हैं और उसके साथ में हमको आईडी कार्ड बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे। जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं उनको ये बात पता होगी कि इस टॉपिक मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जहां पे मैंने आपको आईडी कार्ड किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, साथ ही साथ हम किस तरीके से किस डेटा वाइज हम उसको आईडी कार्ड में ला सकते हैं। बट आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमको डेटा भी किस तरीके से लेके आना है, साथ ही साथ अगर हमारे पास फोटोज भी हैं स्टूडेंट्स की और हम चाहते हैं कि वो भी साथ ही साथ प्लेस हो जाएं तो वो हम किस तरीके से करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मेरा विश्वास मानिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो बल्क में आईडी कार्ड जनरेट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैंने आईडी कार्ड का ऑलरेडी एक डिज़ाइन बना रखा है। जिन्हें नहीं पता कि आखिर आईडी कार्ड का डिज़ाइन किस तरीके से बनाते हैं तो वो मेरी प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, वहाँ मैंने बहुत ही सिंपल प्रोसेस से समझाया हुआ है कि हम डिज़ाइन किस तरीके से बना सकते हैं। आज की क्लास हमारी डिज़ाइन के ऊपर नहीं है बल्कि आईडी कार्ड को बल्क किस तरीके से जनरेट किया जाता है, आज की क्लास इस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है। डिज़ाइन का मेरा साइज़ क्या है वो आप देख सकते हो। डिज़ाइन का मेरा साइज़ है 55 mm by 88 mm। ठीक है, और यही साइज़ सेम मेरे पेज का साइज़ भी है। अगर आप यहाँ पे गौर कीजिए तो आपको यहाँ पे पेज का साइज़ भी सेम मिलेगा, 55 mm by 88 mm। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सिंगल पेज बनाया हुआ है। मेरे पास अभी यहाँ पे मल्टीपल पेजेस नहीं बने हैं, वो हमारा मैक्रो क्या करेगा वो ऑटोमेटिकली बना देगा। जी हाँ, आज इस क्लास में हम बात करेंगे कि हम मैक्रो के थ्रू किस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक आईडी कार्ड इस तरीके से बना लोगे, उसका डिज़ाइन तैयार कर लोगे। डिज़ाइन तैयार करने के बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है टूल्स के अंदर, यहाँ पे जाना है आपको स्क्रिप्ट के अंदर और यहाँ पे आपको जाना है रन स्क्रिप्ट के अंदर, या फिर आपने अगर स्क्रिप्ट डॉकर ऑन कर रखा है, जैसे कि मेरे केस में क्या है, देखिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट डॉकर को ओपन कर रखा है। तो आप चाहो तो डॉकर भी ओपन कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने स्क्रिप्ट डॉकर ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है इस लोड ऑप्शन के ऊपर। आप जैसे इस लोड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपका मैक्रो फाइल कहाँ पर है। तो ये रहा हमारा मैक्रो का फाइल। ये फाइल का लिंक मैं आपको अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये एब्सोल्युटली फ्री है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, ओपन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये जो मैक्रो है वो लोड हो करके आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है DTP टिप्स आईडी कार्ड। ठीक है, ये DTP टिप्स एक वेबसाइट है। ठीक है, जिन्होंने ये मैक्रो बनाया हुआ है तो आप जा करके उनकी वेबसाइट से ये डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस मैक्रो पर आना है, इस मैक्रो को ओपन करना है और यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है कार्ड मेकर, आपको इस कार्ड मेकर पे यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप जैसे देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आपके सामने ये मैक्रो ओपन होकर के आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस डॉकर को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये पूरा मैक्रो ओपन होकर के आ गया है। इसका वेबसाइट है DTPtips.com, आप यहाँ से जाकर के इस मैक्रो को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये मैक्रो पसंद आता है तो यहाँ पर इनका पेटीएम लिंक भी है, आप यहां जाकर के इनको पेमेंट भी कर सकते हो। ये मैक्रो मैंने नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, ये मैक्रो DTPtips.com ने क्रिएट किया हुआ है, तो आप यहां जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब करना क्या है आगे, पहले वो समझते हैं।
यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और कैसे बल्क आईडी कार्ड जनरेट करेंगे वो समझ लेते हैं। बट उससे पहले हमें बनाना क्या होगा, इस आईडी कार्ड का डेटाबेस। तो डेटाबेस हम कहाँ क्रिएट करेंगे, डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे एक्सेल के अंदर। तो आपको आ जाना है एक न्यू एक्सेल फाइल के अंदर और यहाँ पर आपको कुछ डेटा क्रिएट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ फील्ड्स ले रखी हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, और मैं नेम यहाँ पर लूँगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी नेम मेंशन नहीं किया हुआ है। ऑलराइट, तो आ जाते हैं हम यहाँ पे अपनी एक्सेल शीट के ऊपर और सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं कुछ हेडिंग्स, जिन हेडिंग्स में मुझे डेटा एंटर करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर। अब देखो यहाँ मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को REG_NO के नाम से लिखा हुआ है। अंडरस्कोर मैंने क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि आप जो भी फील्ड नेम होगा वहाँ पे आप स्पेस मत दीजिएगा, तो वहाँ पे आप अंडरस्कोर के थ्रू एक स्पेस मेंटेन कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड रहेगा नेम का एंड फादर नेम, और उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं क्लास, ठीक है। ये फील्ड अगर आगे पीछे होती हैं, मीन्स अगर आप क्लास बाद में ले लेते हो, फादर नेम पहले ले लेते हो, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, हमें आगे एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे फील्ड ले लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एंड नेक्स्ट हम ले लेते हैं एड्रेस, उसके बाद में मोबाइल नंबर, और उसके बाद हम ले लेते हैं फ़ोटो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए कुछ फील्ड्स ले ली हैं, फील्ड्स को अलग दिखाने के लिए मैं इनमें कुछ कलर फिल कर लेता हूँ ताकि फील्ड्स हमारी अलग डिस्प्ले हो। तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारे पास यहाँ पे फील्ड्स बन करके आ चुकी हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इनका जो कॉलम का साइज़ है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसकी जो विड्थ है कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसकी कुछ मैंने विड्थ बढ़ा दी है, ठीक है। और इसका मैं थोड़ा सा साइज़ भी यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ, इसका मैं यहाँ पे साइज़ कर देता हूँ यहाँ पे 16 point। ऑलराइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेता हूँ, तो मान लो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ इस तरीके से है 102501। मैं यहाँ पे अपना नंबर ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा बच्चे का वो आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने दो नंबर ले लिए हैं और इनको मैंने ड्रैग कर लिया है नीचे की तरफ। मैं टोटल यहाँ पे 7 रिकॉर्ड्स क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कुछ नाम ले लिए हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ नाम भी क्रिएट कर लेता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे मैं क्लास लिख लेता हूँ एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूँ 20। ऑलराइट, उसके बाद मैं एड्रेस कुछ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, मॉडल टाउन दिल्ली, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। और उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे लास्ट कॉलम दिया है फ़ोटो। ये आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना है कि आखिर में फ़ोटो में मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए फ़ोटो में आप क्या करोगे, जहाँ पे जिस फोल्डर में आपने फ़ोटो सेव करी हुई है बच्चों की, उसका पाथ आप यहाँ पे दोगे। किस तरीके से दोगे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ। ये फ़ोटोज़ मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर हैं, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और देखिए मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है अपनी सारी फ़ोटोज़ का, और इसके अंदर भी देखिए मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ अपनी सेव कर ली हैं। फ़ोटोज़ सेव करने से पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि फ़ोटोज़ का जो साइज़ है, मीन्स आपको फ़ोटो का जो भी साइज़ लगाना है अपने आईडी कार्ड के अंदर, वो साइज़ आपको पहले ही मेंटेन कर लेना है फ़ोटोशॉप में। जितने एमएम की आपको फ़ोटो बनानी है वो साइज़ आप पहले ही यहाँ पे मेंटेन कर लोगे। सेकंड चीज़ आती है फाइल नेम। देखिए मैंने यहाँ पे फाइल नेम बिल्कुल सीक्वेंस में लिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इस तरीके से सीक्वेंस में बच्चों के फाइल नेम ले सकते हैं, या फिर अगर आपको सीक्वेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है तो जो सीक्वेंस आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का है वो रजिस्ट्रेशन नंबर का भी सीक्वेंस आप जो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन फाइल नेम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर कोई बच्चा है अनुज श्रीवास्तव, मैं केवल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अनुज और श्रीवास्तव के बीच में एक स्पेस है, वो यहाँ पे मैं नहीं लूँगा, ठीक है। नाम कुछ ऐसा होना चाहिए फाइल नेम जिसमें स्पेस ना हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ 7 फ़ोटोज़ या मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे फ़ोटो मेंटेन कर लोगे। अब करना क्या है आपको, आप यहाँ पे फ़ोटो पे आओगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे,
चूंकि मैं विंडोज 11 इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए मेरे पास यहीं पे ऑप्शन दिखा रहा है कॉपी एज पाथ का। लेकिन अगर आप कोई और विंडो इस्तेमाल कर रहे हो जहां पे ये ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फोटो पे आप राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पे आइएगा, तो यहां पे देखिए आपको मिल जाता है पाथ। ठीक है, आपको ये पाथ यहां से कॉपी कर लेना है। बट यहां पे सिर्फ पाथ आपको मिल रहा है, फाइल नेम नहीं मिल रहा है। फाइल नेम देखिए यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके पास विंडोज़ 11 नहीं है और आपको यहां पे कंप्लीट पूरा डिटेल नहीं शो कर रहा है, तो उस केस में क्या है कि आपको पहले लोकेशन कॉपी करना पड़ेगा, देन आपको फाइल नेम भी कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन विंडोज़ 11 में आपको ये सुविधा मिलती है कि अगर आप यहां पे कॉपी एज पाथ करोगे तो आपका फाइल नेम और जो पूरा पाथ है जहां पे ये फाइल सेव है वो पूरा कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यहां पे कॉपी एज पाथ कर लिया है। मैं वापस से आता हूं अपने एक्सेल के ऊपर और मैं यहां पे आके कंट्रोल वी करके उसको मैं पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, मैंने जैसे ही पेस्ट किया, ये देखिए यहां पे क्या हुआ, वो फाइल का पूरा यहां पे पाथ क्रिएट होकर के आ गया है। मीन्स मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि अजय गुलाटी की फ़ोटो कौन से नंबर पर है। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने नाम में जो फ़ोटो लगाई हुई है, जो आपने पाथ दिया हुआ है, अगर आपने वो करेक्ट नहीं दिया है तो नाम किसी और का होगा, वहाँ पे फ़ोटो कोई और आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिसका नाम बच्चे का हो उसके सामने उसी की ही फ़ोटो का पाथ होना चाहिए। ऑलराइट, कुछ इसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ 7 रिकॉर्ड्स फिल कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ 7 रिकॉर्ड्स यहाँ पे मैंने बना लिए हैं। अब हमें करना क्या है, इन सारे रिकॉर्ड्स को सेव करना है। अब लेकिन सेव कैसे करेंगे वो भी देखिए देखने वाली बात है। आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इस अपनी ओरिजिनल फाइल को सेव कर लोगे, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो आपका जो ओरिजिनल फाइल है वो कहीं ना जाए। तो सबसे पहले आप इस फाइल को सेव कर लोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ओरिजिनल फाइल को मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। तो मैंने डेस्कटॉप का यहाँ पे पाथ ले लिया है और मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ स्टूडेंट डेटा के नाम से। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका जो है एक्सटेंशन क्या लिया हुआ है, XLX, और मैंने इसको सेव कर दिया है। ठीक है, तो अब मेरा क्या है, मेरा ओरिजिनल फाइल सेव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को दोबारा सेव एज करना है। अब हम सेव एज पे जाएंगे, वापस से हम कोई लोकेशन ले लेते हैं, मैं डेस्कटॉप ही ले लेता हूँ। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका एक्सटेंशन चेंज कर देना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे लेना है इसका एक्सटेंशन टेक्स्ट एक्सटेंशन। टेक्स्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट टैब डिलिमिटेड TXT। आपको यही एक्सटेंशन यहाँ पे ले लेना है। और आपको अगर फाइल नेम सेम रखना है तो आप सेम रख सकते हो, बट अगर आपको फाइल नेम चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। मैं सेम फाइल नेम से इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरा ये फाइल सेव हो चुका है .txt फॉर्मेट में। अब इस फाइल को यहाँ से हम कर देते हैं बंद। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। वापस से हम आ चुके हैं अपने कोरल ड्रॉ स्क्रीन के ऊपर। अब मैंने क्या किया, मेरे पास सारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, मेरे पास सारी फोटोज़ मेंटेन हो चुकी हैं। अब मुझे इस विजिटिंग कार्ड के ऊपर वो डेटा लेकर के आना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे सिलेक्ट TXT डेटा फाइल। यहाँ पे हमको वही फाइल चूज़ करनी है जो फाइल हमने सेव की थी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव की थी स्टूडेंट डेटा के नाम से। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखिए गौर करिए, आपको वो सारी फील्ड्स दिखाई देंगी जो हमने क्रिएट की थी अपनी एक्सेल में। ठीक है, बट इसमें देखिए एक फील्ड और भी आ रही है फ़ोटो के नाम से। ये फ़ोटो को हमें क्या करना है, इस फ़ोटो पे क्लिक करना है और हमें यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए ये फ़ोटो यहाँ से मूव होकर के इस कॉलम में आ जाएगा और यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ये पूछ रहा है कि क्या आपको फ़ोटो चाहिए, तो चूंकि मुझे यहाँ पे फ़ोटो चाहिए है इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे फ़ोटो चाहिए है उस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। देखिए मुझे फ़ोटो यहाँ पे चाहिए तो मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद हम क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर, क्लिक टू गेट इमेज XY पोजिशन। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये देखिए इस फ़ोटो ये जो आपका बॉक्स है इसका टोटल यहाँ पे डेटा यहाँ पे कॉपी होकर के आ जाएगा। मींस इसका जो भी XY पोजीशन होगा, इसकी जितनी विड्थ होगी, जितना हाइट होगा, सभी कुछ यहाँ पे कॉपी होकर के आ जाएगा।
ऐसे ही हमको यहाँ निचले बटन पे भी क्लिक करना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे भी क्लिक कर लेंगे। ये बटन वैसे बारकोड के लिए है, अगर आपके पास बारकोड भी बने हुए हैं तो जिस तरीके से यहाँ पे हमने फोटो का कॉलम लिया था, सेम ऐसे ही आप बारकोड का भी यहाँ पे कॉलम लोगे और यहाँ पे आप बारकोड ले आओगे। चूँकि मैंने बारकोड नहीं बनाए हुए हैं इसलिए मैं इस बॉक्स पर टिक नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है जनरेट टेक्स्ट फील्ड के ऊपर। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमसे यहाँ पे कंफर्मेशन पूछेगा, हम इसको यस कर देंगे तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे सभी टेक्स्ट फील्ड जनरेट हो करके आ जाएंगी। मुझे इन सभी टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करना है और छोटा करके अपने आई कार्ड के ऊपर ले आना है और जहाँ पे भी प्लेस करना है वहाँ पे हम इसको प्लेस कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे नेम यहाँ पे आ गया है, नेम मुझे यहाँ नहीं चाहिए तो नेम मैं इसको यहाँ से शिफ्ट करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अगर हमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो वो हमें अभी करनी होगी, मीन्स अगर मुझे फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, कलर वगैरह सब कुछ आपको अभी करना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फॉन्ट जो नाम है वो नाम कुछ अलग स्टाइल में लिख करके आए, तो मैं यहाँ पे नॉर्म का अलग फॉन्ट ले लेता हूँ, मुझे अलग साइज़ भी चाहिए तो मैं यहाँ से इसका 10-point साइज़ ले लेता हूँ। इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ और साथ ही साथ मुझे इसका कलर भी चेंज करना है तो यहाँ से मैं इसका कलर ले लेता हूँ रेड और इसको मैं अपने आई कार्ड के सेंटर में प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर का ये जो फॉन्ट है, ठीक है, इसको अगर हमें बड़ा करना है तो हम बड़ा कर सकते हैं, नहीं बड़ा करना है तो जितना भी हमको साइज़ चाहिए वो हम साइज़ वहाँ पे रख लेंगे और जिस फील्ड के सामने हमें जो फील्ड चाहिए वो फील्ड हम उस फील्ड के सामने यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब मुझे चाहिए डेट ऑफ बर्थ तो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे क्लास रख लेता हूँ, ठीक है। एड्रेस नीचे आएगा, मोबाइल नंबर ऊपर आएगा, मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे मैं एड्रेस प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे इन कॉलम के साइज़ छोटे लग रहा है, मुझे बड़ा करना है तो हम बड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 7.2, ठीक है। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे 7.2 यहाँ पे इसका साइज़ होकर के आ गया है। कई बार ऐसा होता है कि जो एड्रेस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो अगर आप इस एड्रेस को ऐसे ही प्लेस कर दोगे जैसे कि अभी प्लेस किया हुआ है तो क्या होगा, एड्रेस आपका पूरा यहाँ तक बाहर तक निकल जाएगा, पेज के बाहर तक निकल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस एड्रेस को कन्वर्ट कर सकते हैं पैराग्राफ के अंदर। वो कैसे करेंगे, हमें एड्रेस को चूज़ करना है और कंट्रोल F8 दबाना है। हम जैसे ही कंट्रोल F8 दबाएंगे तो ये देखिए मेरा आर्टिस्टिक टेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर और वो पैराग्राफ हम जितना बड़ा करना चाहें वो बड़ा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ और एड्रेस का मैं फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ अपने सेव साइड में, ताकि अगर ज़्यादा बड़ा एड्रेस भी है तो भी वो आसानी से एडजस्ट हो जाए। तो मैं इसको कर देता हूँ 7 point में, ठीक है। तो अभी क्या है कि मेरा सभी सारा काम हो चुका है, मैंने यहाँ से अपने बॉक्स का यहाँ पे मैंने साइज़ ले लिया है, इमेज को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है और मैंने बाकी सारे काम भी कर लिए हैं। अब फाइनली मुझे क्या करना है, फाइनली हमें यहाँ पे क्लिक करना है जनरेट कार्ड्स के ऊपर। देखिए अभी क्या होगा, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे इसने एक छोटा सा एरर दिया है बट इसको अभी हम इग्नोर करते हैं। मैं यहाँ पे इसको एंड कर देता हूँ और यहाँ पे वो सारे कार्ड्स बन करके आ चुके हैं। लेकिन आप कहोगे सर कहाँ आ गए, आप तो मजाक कर रहे हो, आ चुके हैं। कई बार ऐसा होता है आपके साथ, हो सकता है कि वो कार्ड्स आपको डिस्प्ले हो जाएं। अगर डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, जैसे कि मेरे केस में है कि अभी वो कार्ड्स बन तो गए हैं बट डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप आओगे जहाँ से आप एक नया पेज इंसर्ट करते हो। आप जैसे यहाँ पे एक क्लिक करोगे तो ये देखिए आपको वो सारे के सारे पेज आपको डिस्प्ले कर देगा। मैं आता हूँ पेज नंबर 3 के ऊपर तो ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे पेज बन करके आ चुका है। स्टूडेंट की फ़ोटो बन के आ चुकी है, उसका नाम लिख करके आ चुका है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सभी कुछ लिख करके आ चुका है। मैं पेज नंबर 4 पे आता हूँ, ये देखिए दूसरा आई कार्ड है, 5 पे आता हूँ तीसरा आई कार्ड, देन नेक्स्ट 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 और देखिए कुछ इस तरीके से मेरे यहाँ पे सारे ही आई कार्ड्स बन करके आ चुके हैं, ये देखिए, ठीक है। जो अगर एक्स्ट्रा कुछ कार्ड्स आपको दिख रहे हैं जो कि अगर बन के आ गए हैं तो वो पेज आप यहां से डिलीट कर सकते हो, जैसे कि मैं क्या करता हूं, मैं यहां से ये पेज डिलीट कर देता हूं, ठीक है। और ऐसे पेज नंबर 1 भी मेरे पास है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं। तो ये देखिए मेरे पास यहां पर ये फाइनल यहां पे देखिए कार्ड्स बन करके आ चुके हैं विथ फ़ोटो, मीन्स आपको फ़ोटो के लिए भी अब नहीं सोचना है कि आखिर हम फ़ोटो किस तरीके से ले करके आएंगे, ठीक है।
तो ये थी हमारी आज की कि हम आखिर किस तरीके से बल्क आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बिना हिचकिचाए वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी ही आगे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे भी आगे मोटिवेशन मिलता है आगे नई वीडियोस को क्रिएट करने का। साथ ही साथ आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ये मैक्रो डाउनलोड करना है जैसे कि मैंने पहले बोल रखा है कि आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। Till then, goodbye and keep designing.